विधानसभा चुनावों के दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र में बढ़त यानी अधिकांश विधानसभा सीटें जीतने से लोकसभा चुनावों के लिए भी कांग्रेस के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। मोदी मैजिक या कहिए मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस मानकर चल रही है कि ये एक सीट हो सकती है जिसे सत्ता के सहारे जीता जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 3 सीटों पर ही भाजपा जीत पाई थी और पच्छाद से रीना कश्यप, चौपाल से बलवीर वर्मा और पौंटा से सुखराम चौधरी कमल के फूल पर चुने गए। पूर्व में भी इसी तरह से कांग्रेस का गढ़ रही शिमला संसदीय क्षेत्र में साल 2009 के बाद से भाजपा लगातार जीतती आ रही है। वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप से पहले यहां 2 बार साल 2009 और 14 में वीरेंद्र कश्यप भाजपा के सांसद रही है। सुक्खू सरकार के सत्तासीन होने के बाद कांग्रेस को अपने 13 विधायकों और नालागढ़ के निर्दलीय विधायक की मदद से शिमला लोकसभा सीट पर संभावना नजर आ रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सरकार में हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और धनीराम शांडिल के रूप में 5 पावरफुल कैबिनेट मंत्री है। वही सीपीएस संजय अवस्थी, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यानी लगभग आधी सरकार शिमला संसदीय क्षेत्र के जिम्मे है और ऐसे में कांग्रेस का इस सीट पर जोर लगाना स्वाभाविक ही है। वैसे कांग्रेस के कई स्थापित नेता मोदी मैजिक की सफलता पर कोई संशय नहीं रखते और इसलिए स्थापित चेहरे तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे। जाहिर है कांग्रेस की ओर से किसी नए नाम को सुरेश कश्यप के सामने खड़ा किया जाएगा। वहीं सुरेश कश्यप अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और मोदी लहर के चलते अपनी जीत के लिए निश्चिंत है। सुरेश कश्यप अपनी उपलब्धियों में रेणुका बांध और सुन्नी बांध, नाहन मेडिकल कॉलेज, नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क, शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, धौलाकुआ IIM सहित कुल 15,000 करोड़ की केंद्रीय योजनाओं को स्वीकृत कराने की बात कही है। सुरेश कश्यप के सामने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में इसी सीट से 6 बार सांसद रहे कृष्णदत्त सुल्तानपुरी के बेटे और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी, रामपुर के विधायक, रेणुका के विधायक विनय कुमार या कांग्रेस नेत्री दयाल प्यारी और अमित नंदा के नाम लिए जा रही है। एक बात तय है कि शिमला संसदीय सीट का चुनाव मोदी फैक्टर के बावजूद एक तरफा नहीं रहने वाला है और 5 पावरफुल मंत्री और 14 विधायकों का जोर कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। वही भाजपा यहां विधानसभा चुनावों में खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। भाजपा के पास इस बार राजीव बिंदल के रूप में एक सफल रणनीतिकार राजीव बिंदल भी भाजपा अध्यक्ष के रूप में मौजूद है, जो सरकार को पटकनी देने का ये मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेंगे।